हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बॉयलर टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें आपको प्रीवियस क्लासेस में रैंकाइन साइकिल बताए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कोकरन बॉयलर के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसका आने का चांसेस भी 100% है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे कि बॉयलर एक ऐसा क्लोज्ड वेसल होता है जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीट। अब जो बॉयलर होता है वो दो तरीका का था, एक को कहते थे फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा को कहते थे वाटर ट्यूब बॉयलर। अगर ट्यूब के अंदर फायर है और चारों तरफ पानी है और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, ऐसे बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर का याद होगा आपको कि ट्यूब के अंदर वाटर है और चारों तरफ आग लगा है और वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, देन इट इज कॉल्ड वाटर ट्यूब बॉयलर। तो कोकरन बॉयलर एक तरह का फायर ट्यूब बॉयलर होता है, याद रखना। कोकरन बॉयलर एक वर्टिकल बॉयलर होता है और इसमें जो ट्यूब्स होते हैं जिसमें फायर रहता है वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल रहता है। तो ये याद रखना है कि कोकरन बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर है, दूसरा ये वर्टिकल बॉयलर है और ये मल्टी ट्यूबलर है। इसमें ट्यूब का संख्या काफी ज्यादा होता है, लगभग 165 ट्यूब तक हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आइए हम लोग इसको पूरे अच्छे से डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन, मतलब इसके ड्राइंग को पहले से ही बना दिए जिससे कि कम समय में ही आपको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कोकरन बॉयलर कैसा है। तो याद रखना है कि ये एक वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर है। सबसे पहला याद रखना है कि कोकरन बॉयलर जो है वो वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर, इसका मतलब ट्यूब का संख्या एक से ज्यादा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर है। आगे कह रहा है विथ नेचुरल सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब है कि पानी एक फिक्स डायरेक्शन से आएगा और फिक्स डायरेक्शन में जाएगा, जो स्टीम बनेगा वो अपने आप ऊपर चला जाएगा, तो इसको कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। एंड इंटरनली फायर्ड फर्नेस इन विच सॉलिड फ्यूल इज बर्न, और इसमें जो फर्नेस होता है आप यहां पर फिगर में भी देख रहे होंगे कि ये देखिए ये इसका भट्टी है, यहां पर ये पूरा फर्नेस है और इसी में हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस ग्रेट के ऊपर, इस सतह के ऊपर कोयला को रख के जला रहे हैं या कोई भी सॉलिड फ्यूल को रख के इसमें जला रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आप मेन सारा बात याद रखेंगे कि कोकरन बॉयलर एक वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर है विथ नेचुरल सर्कुलेशन, इसमें जो स्टीम बनता है वो अपने आप ऊपर चला जाता है। लो प्रेशर, याद रखना है कि इसमें जो स्टीम बनता है वो जनरली कैसा होता है, लो प्रेशर होता है, मतलब कोकरन बॉयलर को का यूज हम लोग छोटे इंडस्ट्रीज में करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में नहीं करते हैं। जैसे आप राइस मिल में यूज कर सकते हैं, आप पेपर इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, रिफाइनरीज में यूज कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में कोकरन बॉयलर यूज होता है। An internally fired furnace in which solid fuel is burned, और इसमें जो fuel होता है वो अंदर ही चलता है। आगे कह रहा है इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर, एक बॉयलर भी है जिसको हम लोग सिंपल वर्टिकल बॉयलर कहते हैं। तो पहले के समय में सिंपल वर्टिकल बॉयलर बना था, उसी को मॉडिफाइड करके कोकरन बॉयलर बनाया गया। इट इज अ वर्टिकल बॉयलर विद द हॉरिजॉन्टल, याद रखना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, एसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोकरन बॉयलर का जो ट्यूब्स होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है कि इंक्लाइंड होता है। तो याद रखना है कि इसका जो ट्यूब्स होता है वो कैसा होता है, वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं ये ट्यूब है, इसी में हॉट गैसेस देखिए फ्लू कर रहा है, इसी में फ्लो कर रहा है हॉट गैसेस जो है। सबसे पहला कंबसन चैंबर में आग लगा, उससे जो हॉट गैसेस है ये यहां पर फायर बॉक्स में आग लगा और यहां से पूरा का पूरा जो है ये कंबसन चैंबर में चला गया और यहां से पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है, फिर स्मोक बॉक्स में है और फिर लास्टली चिमनी। तो ये क्या कर रहा है, यहां के पाइप को गर्म कर रहा है और इस पाइप के चारों तरफ क्या है, वाटर है और वाटर को वो गर्म कर रहा है। तो क्या बताना चाह रहा है, कह रहा है कि ये इस तरह के बॉयलर में जो ट्यूब्स होता है वो हॉरिजॉन्टल है। कितना है, तो लगभग अप्रॉक्स 165 ट्यूब्स है जिसका डायमीटर 62.5 mm तक है। एकदम क्लियर हो रहा है? दिस इज कॉमनली यूज्ड इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज पेपर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इट टेक्स वेरी स्मॉल फ्लोर एरिया बिकॉज ऑफ इट्स वर्टिकल डिजाइन। याद रखना है कि ये जो बॉयलर होता है
वो कम ही जगह में एडजस्ट होता है, क्योंकि इसका जो पूरा सरफेस है या इसका जो पूरा डिजाइनिंग है वो ऊपर की ओर जाता है, तो आप कम ही एरिया में, जो फ्लोर एरिया है, कम ही एरिया में इसका सेटअप कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका सेटअप कराया जाता है। एकदम समझ में आ गया। तो याद क्या रखना है, कोकरन बॉयलर एक फायर ट्यूब मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर है जो लो प्रेशर ऑफ स्टीम बनाता है, साथ ही साथ इसका जो फर्नेस होता है वो इंटरनली रहता है, और इसमें जो वाटर या स्टीम बनता है या आता है वो एक नेचुरल तरीका से आता है, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, स्टीम नीचे से ऊपर बनेगा, क्योंकि आपको पता है जब स्टीम बनता है तो उसका डेंसिटी कम होता है और वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। चलिए इसमें मेन पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अब इसका पहले फिगर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिगर के लिए देखिए आपको एक और उपाय बता देते हैं। अगर आप फिगर बनाना चाहेंगे तो सबसे पहला यहां पर एक सीधा लाइन आप खींच दीजिए, ये देखिए सबसे पहला एक सीधा लाइन खींच दिए, और यहीं से आप इस तरह से एक सीधा लाइन वर्टिकल, यहां भी एक वर्टिकल, और यहां से आप इस तरह से कर्व कर दीजिए। अब यहीं पर आप क्या करेंगे, यहां से फर्नेस बना देंगे ऐसे, और नीचे में क्या करेंगे, ग्रेट बना देंगे इस तरह से, और नीचे में जहां पर राख जाके इकट्ठा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्पिट कहेंगे, क्योंकि जब कोयला जलेगा तो उसका काफी मात्रा में राख आएगा, तो ये सारा नीचे में इकट्ठा होते जाएगा और फाइनली इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और जिस सतह पर हम लोग कोयला को रखते हैं उसको हम लोग ग्रेट कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला भाग जो होता है उसको हम लोग एस्पिट कहते हैं, पिट का मतलब गड्ढा। अब यहां से क्या किए, यहां से ये सेक्शन को हम साफ कर दिए। अब यहां से देखिए हम लोग इस तरह से पाइप लगा देंगे, इस तरह से पाइप लगा देंगे। अब इसमें हम लोग क्या किए, जितना भी कोयला है ये देखिए सब इसके ऊपर रख दिए, सब इसके ऊपर रख दिए, और कंबसन टेक्स प्लेस कराए। जैसे कंबसन टेक्स प्लेस कराए तो ये मेटल का बना है तो ये गर्म हो जाएगा, जैसे ये गर्म होगा तो इसके चारों तरफ हम लोग क्या किए हैं, पानी को रख दिए, ये देखिए पानी को रख दिए। अब यहां पर से जो आपका हॉट गैसेस है वो क्या करेगा, पाइपलाइन के थ्रू इधर जाएगा, ये देखिए पहला पाइप हो गया, फिर यहाँ से दूसरा पाइप हो गया, फिर यहाँ से हम लोग तीसरा पाइप ऐसे यूज कर लिए, ठीक है, और इसको यहाँ पर बंद कर दिए। अब ये सारा जो हॉट गैसेस है ये नोटिस करेंगे यहाँ जाएगा, इस पाइप में घुसेगा, इस पाइप में घुसेगा, इस पाइप में घुसेगा, तो ये पाइप को पूरा गर्म करेगा, ये देखिए इस तरह से पाइप को पूरा ये गर्म करते हुए जाएगा, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहां से सारा स्टीम को कलेक्ट करेंगे और चिमनी के थ्रू हम लोग इसको बाहर कर देंगे। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि पानी चारों तरफ भरा हुआ है, ये देखिए पानी इस तरह से भरा हुआ है, क्योंकि ये पाइप गर्म होगा तो ये यहां के पानी को वो क्या करेगा, गर्म करेगा, और लिक्विड से किस स्टेट में बना देगा, वेपर स्टेट में। तो यहां से जैसे ये पाइप इस पानी को टच करेगा तो ये जो लिक्विड है ये पूरा का पूरा वेपर में बन जाएगा। तो बस आपको फिगर इसका बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, दो तीन बार अगर आप फिगर बनाएंगे तो अच्छे से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला याद, यहां याद रखना है कि नीचे वाला भाग जो है वो एस्पिट होता है, जब कोयला जलता है ना तो बहुत मात्रा में जो है वो एस को छोड़ता है, तो ये सारा नीचे इकट्ठा होता है, और जिस सतह पर जैसे कोयला का चूल्हा आप देखे होंगे तो उसके बीच नीचे में जो है रॉड डालते हैं और उसके ऊपर गोईठा कोयला डाल के जो है हम लोग आग लगाते हैं, तो उसी जो सरफेस होता है जिस पर हम रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ग्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट कहते हैं। अब यहां पर कोयला जला, इसमें जो फर्नेस है ये आपका नोटिस करेंगे हेमिस्फेरिकल शेप का है, यहां कोयला जला इसका सारा धुआं जो है ये पाइप में जाएगा, और पाइप जो है मेटल का बना है, लगभग आपको बताया कि 165 ट्यूब रहता है जिसका डायमीटर भी बहुत कम नहीं बहुत बड़ा रहता है, लगभग 62.5 mm के आसपास रहता है, और यहाँ पाइप को गर्म करता है, जब पाइप गर्म होता है तो इसके संपर्क में ठंडा पानी रहता है और वो क्या करते हैं उसके हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने स्टेट को मतलब लिक्विड से गैस बन जाता है, ये देखिए इस तरह से। अब आप ऑलरेडी पढ़े थे बॉयलर माउंटिंग के बारे में कि बॉयलर के सरफेस पर बहुत सारा डिवाइसेस लगा देते हैं जिससे कि बॉयलर का अंदर का सारा चीज हमको पता चले, तो ऐसे डिवाइसेस को क्या कहते हैं, बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। तो इसमें मेन पार्ट क्या आ जाएंगे, सिलेंड्रिकल सेल, देखिए ये जो है आपका सिलेंड्रिकल सेल हो गया, जो बाहरी सतह है, ठीक है। तो दिस इज द मेन बॉडी ऑफ बॉयलर एंड द शेप इज सिलेंड्रिकल, और इसका जो शेप रहता है वो सिलेंड्रिकल रहता है, ठीक है, एंड हेमिस्फेरिकल, और जो ऊपर वाला भाग रहता है वो हेमिस्फेरिकल रहता है, इवन जो फर्नेस रहता है वो भी हेमिस्फेरिकल रहता है, क्योंकि जो हेमिस्फेरिकल शेप होता है उसमें सबसे ज्यादा
वॉल्यूम कंटेन कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है हेमिस्फेरिकल बनाने का क्या मकसद होता है, विच गिव मैक्सिमम स्पेस, सबसे ज्यादा स्पेस देता है, एंड स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड हाई प्रेशर। और ये भी याद रखना कि लिक्विड को स्टोर करने के लिए हम लोग जनरली सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं, क्योंकि वहां पर जब स्टीम होता है, वाटर होता है या लिक्विड कोई भी रहता है, तो उसके सरफेस पर इक्वल प्रेशर लगाता है पास्कल के नियम से। इसीलिए हम लोग शेप हमेशा क्या रहते हैं, सिलेंड्रिकल, और उसका सरफेस को कर्व कर देते हैं, क्योंकि हर एक सरफेस पर इक्वल प्रेशर लगे। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा तो उसके हर एक वाल पर अलग अलग प्रेशर रहेगा, और प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉयलर आपका फट सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर की सेफ्टी के लिए, बॉयलर को हाई स्ट्रेंथ देने के लिए, प्रेशर को ज्यादा से ज्यादा रेसिस्ट करे, उसके लिए हम लोग इस तरह का शेप देते हैं। नेक्स्ट है फायर बॉक्स। फायर बॉक्स नीचे आपको दिख रहा है, जहां पर नाम से पकड़ में आ रहा है, जहां पर फायर हो रहा है, जहां पर आग लग रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फायर बॉक्स कह रहे थे। यहां पर आपका जो है आग लग रहा है, तो कह रहा है ए फायर बॉक्स इज अ प्लेस ओवर द ग्रेट। देखिए जिस सतह पर हम इसको कोयला को रखते हैं उसको हम लोग ग्रेट कहते हैं। ए फायर बॉक्स इज प्लेस्ड ओवर द ग्रेट सरफेस ऑफ द बॉयलर वेयर कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। एकदम समझ में आया कि फायर बॉक्स क्या है या फर्नेस क्या है। तो फर्नेस एक ऐसा जगह है कहां पर, ग्रेट के ऊपर, जहां पर हम लोग सॉलिड फ्यूल को रख के जलाते हैं। आगे कह रहा है ग्रेट क्या है, तो इट इज द सरफेस ऑन विच सॉलिड फ्यूल इज बर्न। आप नोटिस किए होंगे, अगर कोई बच्चा कोयला वाला चूल्हा देखा होगा तो आप नोटिस करेंगे। हम यहां पर आपको दिखाने का भी कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप कोयला का चूल्हा को देखेंगे तो कुछ इस तरह का शेप रहता है, ये देखिए इस तरह का, ठीक है, ऐसा शेप रहता है। और यहां पर लोहा का रॉड दे दिया जाता है इस तरह से, और इसी में गोईठा लकड़ी ये सब डाल के फिर कोयला ऊपर से डाल जाए। तो जिस सतह पर रख के हम आग लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट कह रहे हैं। तो इट इज द सरफेस, ये एक सरफेस है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ऑन विच सॉलिड फ्यूल इज बर्न। और इसमें सॉलिड फ्यूल जो है वो आपका क्या करता है, बर्न करता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, फिगर बहुत अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फायर ट्यूब। अब देखिए बॉयलर के अंदर बहुत सारा ट्यूब्स है, आपको दिख भी रहा होगा। तो कह रहा है कि द फायर ट्यूब्स आर हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स हुज वन एंड आर जॉइंड विद द कंबसन चैम्बर एंड अनदर विद द स्मोक बॉक्स। आप यहां देखिए फायर ट्यूब आप देख रहे होंगे, तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये कंबसन चैम्बर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा आपका कंबसन चैम्बर है, ये वाला पोर्शन। तो यहां देखिए ये आपका फर्नेस से पूरा का पूरा जो है वो फ्यूल जला, उसका सारा धुआं कहां पहुंच गया, कंबसन चैम्बर में चला गया। तो ये ट्यूब का एक एंड कंबसन चैम्बर में है और दूसरा एंड जो है वो स्मोक बॉक्स में है, ठीक है। आगे कह रहा है विद द कंबसन चैम्बर एंड अनदर विद द स्मोक बॉक्स एंड इट एक्सचेंज द हीट फ्रॉम द हॉट फ्लू गैसेस टू द वाटर। चूंकि उसमें गैस हॉट फ्लू जो धुआं है वो उस पाइप में जा रहा है, तो पाइप को गर्म कर रहा है, क्योंकि वो पाइप मेटल का बना है। जब मेटल का पाइप गर्म हो रहा है तो उसके चारों तरफ पानी है, तो वो उसको क्या कर रहा है, गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करा रहा है। और यहां पर आप नोटिस करेंगे कि यहां पर ये स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट है चिमनी। नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि गैस को बाहर करने के लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसको हम लोग चिमनी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इट ट्रांसफर स्मोक टू द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लंबे हाइट तक, क्योंकि जो स्मोक निकलता है अगर बड़ा चिमनी नहीं डालेंगे तो आसपास के एरिया में ही स्प्रे होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े चिमनी की मदद से जो हार्मफुल गैसेस रहता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं फिल्टर करने के बाद। याद रखना है पहले उसको फिल्टर कर लेते हैं और फिर जाके हम लोग उसको रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। मेन होल। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि बॉयलर का ये सेक्शन में मेन होल होता है। देखिए बॉयलर के अंदर हमको बीच बीच में मेंटेनेंस का काम देखना होता है, बॉयलर का चेकिंग करना होता है, बॉयलर का सफाई करना होता है। तो कोई एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है जहां से आदमी को उसके अंदर घुसाया जाता है जब बॉयलर आपका बंद है। तो जब बॉयलर बंद रहता है तो मेन होल से, जैसे आपके घर में छत पर टंकी है तो आप नोटिस करेंगे आपके छत पर जो टंकी उसके ऊपर में भी एक मेन होल रहता है जहां से आप क्या करते हैं, देखते हैं उसके ढक्कन को खोल के कि पानी कितना। और कभी उसका अगर सफाई करना रहता है तो उसी ढक्कन को खोल के उसके अंदर जाते हैं। वही सेम चीज मेन होल बॉयलर में भी रहता है। यहां से
जो इंजीनियर है, जो मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं, वो अंदर जाते हैं, इसका सारा चेकिंग करते हैं कि किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं है या किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो क्या कर रहा है कि मेन होल क्या है, तो दिस होल इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉयलर, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग। यहां देखिए थोड़ा सा आपको इरेज हो गया, इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, चेकिंग एंड रिपेयर ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉयलर। और ये क्या करता है, यहां से मेन होल से हम लोग क्या करते हैं, आदमी को अंदर भेजते हैं जो क्या करता है, क्लीनिंग करता है, चेकिंग करता है, और अगर किस तरह का रिपेयरिंग का जरूरत है तो वहां से रिपेयरिंग करता है। क्लियर एकदम हो गया। चलिए अब आ जाते हैं वर्किंग में। वर्किंग में आप नोटिस करेंगे कि जो बॉयलर कर रहा है उसको आप अच्छे से लिख दीजिए। तो सबसे पहला क्या करेंगे कि इन, ध्यान दीजिएगा, इन कोकरन बॉयलर फर्स्ट द फ्यूल इज पुट इनटू द फायर बॉक्स। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, फायर बॉक्स में जो भी फ्यूल है उसको उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, एंड प्लेस ऑन द ग्रेट, और ग्रेट के ऊपर उसको रख देते हैं, और फिर उसमें कंबसन टेक्स प्लेस कराते हैं। द फ्यूल इज बर्न, और फ्यूल उसमें जलता है, इन द फायर बॉक्स, उस भट्टी में, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, और उसके जलने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फुल स्टॉप के बाद, फ्रॉम द कंबसन चैम्बर हॉट गैसेस एंटर इनटू द फायर ट्यूब्स। अब यहां से देखिए, ये जो फर्नेस है, यहां से सारा धुआं कहां चला जाएगा, कंबसन चैम्बर में, यहां पर कंबसन चैम्बर, ये वाला पोर्शन कंबसन चैम्बर है, यहां पर सारा धुआं चला गया, और ये सारा धुआं क्या होगा, सारे पाइप में एंटर किया। जैसे आप बाइक चला रहे तो आपके बाइक के इंजन से जो धुआं निकलता है वो साइलेंसर के होते हुए जा रहा है, तो सोचिए आपका छोटा सा इंजन है और उसके साइलेंसर से धुआं जो जा रहा है, तो वो पाइप को गर्म, मतलब वो साइलेंसर को गर्म कर रहा है, अगर आप अपना पैर उसके ऊपर रख देंगे तो आप जल भी सकते हैं। तो सोचिए इसमें कितना हम लोग कोयला जला रहे हैं या सॉलिड फ्यूल जला रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, सारे मेटल के पाइप को गर्म कर रहा है, और वो सारा मेटल का पाइप किधर है, तो वाटर से सराउंडेड है, और वाटर क्या कर रहा है, उस पाइप से जैसे टच कर रहा है, चूंकि वो मेटल का है तो वो गर्म हो गया, और पाइप जैसे उसको टच कर रहा है तो यहां से वाटर जो है स्टीम में बंद कर रहा है। तो यहां से बोल रहा है कि फ्रॉम द कंबसन चैम्बर हॉट गैसेस एंटर इनटू द फायर ट्यूब्स, द फायर ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय वाटर, और फायर ट्यूब जो है वाटर से सराउंडेड है, द हॉट फ्लू गैसेस इनसाइड द ट्यूब एक्सचेंज द हीट फ्रॉम द हॉट गैसेस टू द वाटर। और चूंकि जो फायर ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, इसमें सारा प्रोडक्ट गैस जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ट्यूब के सरफेस को गर्म कर रहा है, और वो पानी के चारों तरफ से गिरा हुआ है, तो पानी क्या कर रहा है, उसके हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है, और अपने टेम्परेचर को बढ़ा के लिक्विड से गैस बन जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। The heat, आगे कह रहा है, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट, जब हीट का एक्सचेंज हो रहा है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, दिस स्टीम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन, और ये जो स्टीम बन रहा है वो टर्बाइन को रोटेट में यूज कर रहा है, नहीं तो और भी अदर एप्लीकेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, एंड द प्रोडक्ट गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द चिमनी, और जो प्रोडक्ट गैस है वो फाइनली चिमनी से बाहर निकल जा रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं इसका वर्किंग काफी आसान है, कोयला नीचे में जलेगा फायरबॉक्स में, वहां से जो धुआं निकलेगा, वहां से जो हॉट गैसेस होगा वो कंबसन चैम्बर में जाएगा, कंबसन चैम्बर से बहुत सारा पाइप कनेक्टेड रहेगा, और सारा धुआं, सारा जो गैसियस है वो उस पाइप में चला जाएगा, पाइप को गर्म करेगा, और वो पाइप से होते हुए स्मोक बॉक्स में चला जाएगा और चिमनी से बाहर निकल जाएगा। पर वो पाइप को जब गर्म किया तो वो वाटर उसके चारों तरफ है, तो वाटर उसके हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और फाइनली उसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री के ऊपर चला गया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर स्टीम को हम लोग कलेक्ट करके जहां एप्लीकेशन करना है वहां यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको कोकरन बॉयलर का कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग और इसका ड्राइंग बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप सबसे ज्यादा रिविजन कीजिए, क्योंकि आपका हर एक चीज लगभग सारा कवर है। आप जितना ज्यादा रिविजन करेंगे, कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा रखेंगे, आपका नंबर उतना ज्यादा आ सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।